स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसमें पढ़ा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर एक्सेलरेशन यदि आपका होता है वो कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है आपके एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, सर्कल में मूव करता है, वहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी आपकी होती है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को जो हम रिप्रेजेंट जो है ओमेगा से करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के अंदर हम बताया था वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इससे कोरस्पोंडिंग यहाँ वही बात आ जाएगी, जब ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर होगा तो वहाँ पर क्या होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ क्या होगा आपका चेंज होगा। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। वो ऑब्जेक्ट आपका सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो टाइम्स उस जिस टाइम से उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी उसको हम कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द, इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सीधी सी बात यही है एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो बराबर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन आपका होगा। ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव कर रहा है उसका टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है उसको हम कहेंगे, इसको रिप्रेजेंट सीधी सी बात ओमेगा से करते हैं। यहां से इसकी एस एल एन क्या होगी, एस एल एन इसकी क्या होगी, एस एल एन जो है यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल है, एंगल के यूनिट रेडियन। एस एल एन यहां पर इसकी क्या होगी रेडियन और टाइम पीरियड क्या होती है सेकंड। एस एल एंड इसकी हम क्या कहेंगे रेडियन पर सेकंड। डायरेक्शन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है एक आपको वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन जो है एंगुलर वेलोसिटी जो होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा सेम होती है एज दैट ऑफ द, एज दैट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन जो है वो किसके अलोंग होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग होगी जिधर बॉडी आपकी मूव कर रही है। सर्कुलर पाथ के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर पैटर्न स्क्रूल से हम कहते डायरेक्शन को, इस केस में क्लॉकवाइज बॉडी मूव कर रही है तो क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आपका एंगुलर वेलोसिटी होगा। डायग्राम में ये दिखा रखा है जो ऑब्जेक्ट जो है सर्कल के अंदर मूव कर रहा है एट एनी टाइम, ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी जिसका रेडियस सेंटर जो है इसका ओ रेडियस क्या है इसका आर, एट टाइम डेल्टा टी ऑब्जेक्ट रीच एट द पॉइंट क्यू, कोई टाइम मानो डेल्टा टी टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाता है तो उस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो ये आपका एंगल क्रेस्ट होगा, तो ये होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा यहाँ पे क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यदि हम ये कह रहे हैं यहाँ पर इफ डेल्टा ओमेगा बी द, सॉरी डेल्टा थीटा
बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका डेल्टा थीटा। तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ना हम उसको ऐसे लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये होगा। क्यों बताया था मैंने जब लिमिट ऐसे लगाते हैं हम तो डेल्टा जो है वो आपका बदल जाता है डे के अंदर। इस इक्वेशन को हम ऐसे कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू यहां से आपका आएगा डी थीटा बाय डीटी, डेल्टा के जगह सम में क्या आ जाएगा डी आएगा और लिमिट आपकी हट जाती है, ये हमने इसके अंदर बताया था। यहां से हम ये कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा सेम किसकी होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो ये आपका है टॉपिक, सीधी सी बात है टाइम के साथ किस टाइम से आपके जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने ये मान लिया सपोज दैट एक डेल्टा टी टाइम के दौरान एंगल जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कवर आपका हो रहा है ट्रेस हो रहा है एंगल आपको डेल्टा थीटा है डेल्टा टी टाइम में एंगुलर वेलोसिटी आपकी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम करते हैं इसके अंदर हम इसमें पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ये हमें रिलेशन निकालना है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर। इसके लिए हमने मान लिया ऑब्जेक्ट जो है कि ऑब्जेक्ट आपका सर्कल के अंदर मूव कर रहा है जिसके लीनियर वेलोसिटी हमने मान ली क्या है वी और एंगुलर वेलोसिटी इसकी हमने क्या मान ली ओमेगा। एट एनी टाइम टी द ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट पी, टी टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट आपका पी पॉइंट के ऊपर होता है जिसका रेडियस क्या हमने मान लिया सर्कल का रेडियस क्या होगा आर। एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी सपोज ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सीधी सी बात है एंगुलर वेलोसिटी तो आपकी ये होगी इस केस में और ऑब्जेक्ट एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी ऑब्जेक्ट रीच एट द पॉइंट क्यू वेयर एंगल पी ओ क्यू इज डेल्टा थीटा। इसको हमने क्या मान लिया डेल्टा थीटा हमने इसको मान लिया। तो ऑब्जेक्ट सीधी सी बात है आपका पी से क्यू तक आपका मूव कर रहा है ये एक आपका ये पाथ कवर हुआ ऑब्जेक्ट के द्वारा पी से क्यू तक, ठीक है। तो इसमें पहले हम ये कह सकते हैं कंसीडर लेट अस कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट जो है
मूव कर रहे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हैविंग लीनियर वेलोसिटी, हैविंग लीनियर वेलोसिटी क्या है उसकी v, ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसकी लीन वेलोसिटी क्या है v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है आपका मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और इसकी लीन वेलोसिटी क्या है v, और सर पाथ कैसा है ओनली सर्कुलर पाथ, ओनली सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस क्या आपका आर, रेडियस इसका आपका दिया हुआ है ठीक है, एट टाइम टी ऑब्जेक्ट एट पी, ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी, पी पॉइंट के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट आपका होता है ठीक है, एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी ऑब्जेक्ट एट एट क्यू, ऑब्जेक्ट एट क्यू वेहर एंगल ऑफ पी और क्यू जो है ये आपका क्या है डेल्टा थीटा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पी से क्यू तक मूव कर रहा है एक आर्क होगी, इट मींस ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब एन आर्क पी क्यू ऑफ लेंथ डेल्टा एल इन टाइम डेल्टा टी, इसको ऑब्जेक्ट जो है आपका पी से क्यू तक मूव कर रहा है और डिस्क्राइब क्या कर रहा है एक पाथ पी से क्यू तक मूव कर रहा है और उसका लेंथ हमने क्या मान ली डेल्टा एल, कितने टाइम के दौरान डेल्टा टी टाइम के दौरान ठीक है, तो उस केस में आप मुझे बताओ देन लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना कह रहे हैं डेल्टा एल, लेंथ ये है डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा आपका उस केस में, तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी और यहां से आप डेल्टा एल निकाल लो, क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर देखिए डेल्टा एल यहां से क्या आएगा v डेल्टा टी, इक्वेशन फर्स्ट है आगे ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी उस केस में जो होगी वो क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा थीटा डेल्टा टी, एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ना उस केस में वो क्या होगी आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसके बराबर आएगा, ओमेगा डेल्टा टी। ये क्वेश्चन सेकंड आ गया, यहां पेपर द्वारा देख लो। हमने इसमें यही कहा है ऑब्जेक्ट जो है इस सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी क्या है उसकी वी। ऑब्जेक्ट पी से क्यू तक मूव कर रहा है, तो ये एक लेंथ कवर होगी उसके द्वारा, एक आर्क हम उसको कहेंगे डेल्टा टी टाइम के दौरान। तो लीनियर वेलोसिटी ये लिखी मैंने, एंगुलर वेलोसिटी मैंने लिख दी यहां से। और सिंपली हम ये जानते हैं एंगल जो होता है ना आपका, एंगल किसके बराबर होता है, एंगल होता है आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। तो यहां पर जो एंगल जो है कितना है, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा ठीक है। और आर्क यहां पर क्या है, पीक्यू, और पीक्यू आपकी आर्क है इसकी लेंथ कितना है, डेल्टा है, डेल्टा है। और रेडियस क्या है, आर, रेडियस क्या इसका आर, सर्कल का रेडियस आर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो आप इक्वेशन से, डेल्टा दिया हुआ आपको यहां पुट कर दो, डेल्टा थीटा यहां पुट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू वी डेल्टा टी बाई आर, इससे कट जाएगा, इसको उधर ले आओ, तो v इज इक्वल टू आपका रिलेशन आ जाएगा r ओमेगा। यहां पर v जो है लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा यहां पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, तो यदि वहां पर आपका रिलेशन आप निकालते हो लीनियर वेलोसिटी के अंदर और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, तो वो रिलेशन आपका होगा v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो सीधी सी बात है, आप यहां से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो और लीनियर वेलोसिटी निकाल लो, यहां से डेल्टा एल और डेल्टा थीटा। पर एंगल हम जानते हैं एल बाई आर होता है आर्क बाय रेडियस, आर्क दे रखा है पी क्यू जिसकी लेंथ डेल्टा है, रेडियस आर है, सॉल्व हो जाएगा। ये आपका डेरिवेशन इसका 3 मार्क्स में एग्जाम में आपका आ सकता है इस प्रकार। इसके बाद इसमें ड्राइव करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट हम अल्फा से करते हैं ठीक है। वही बात इसी की तरह ही है, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस टाइम से आपकी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और यहां पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो किस टाइम से किसी ऑब्जेक्ट की, या ऐसे कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, किस टाइम से किस रेट से किसी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन ओपन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द, इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, हम अल्फा से। हम ये कह रहे हैं लेट डेल्टा ओमेगा बी द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन
इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है, डेल्टा ओमेगा, देन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर में लिखो आप ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा ये अल्फा इज लिमिट लगा रखी है तो डी में बदल जाएगा, डी ओमेगा बाय डीटी, ये तो आ जाएगा, इस इज द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। और भी इसका रिलेशन आप ड्राइव कर सकते हो, आल्सो पीछे हमने बताया था एंगुलर वेलोसिटी जो होता है जिसके बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी होता है ना, इसकी वैल्यू यहां पर कर दो, अल्फा यहां से जो होगा डी बाय डीटी, और ओमेगा की वैल्यू यहां से क्या आएगी आपकी डी थीटा बाय डीटी, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से हम इसको कहेंगे डी इनटू डी, डी स्क्वायर थीटा और डीटी ए की वैल्यू स्मॉल टाइम डीटी स्क्वायर, अल्फा जो है यहां से आपका आएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डीटी स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है किसके बराबर होगा, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड एंगुलर एक्सेलरेशन जो हो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव होगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा आपका। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकेंड और टाइम पर सेकेंड, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, यहां से रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हो इसके, डायमेंशन फॉर्मूला रेडियन का होगा ही m0 l0 t रेस टू पावर माइनस 2, तो सेकंड टाइम यूनिट होती है, टाइम एक आपका डायमेंशन होता है, फंडामेंटल यूनिट होती है, तो ये इसका डायमेंशन आपका आ जाएगा, ठीक है। अल्फा भी होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम ये जानते हैं, वी नो दैट लिनियर वेलोसिटी जो होती है v वो किसके बराबर होता है r ओमेगा, होता है नहीं, इसका आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दो आप, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dv / dt रेडियस एज इट इज डी ओमेगा बाय डीटी, आर कांस्टेंट होता है, रेडियस जो है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हमने इसका ऐसे कर दिया, टाइम रेट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन आर एज इट इज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अल्फा जाएगा, बताया था रिलेशन का मतलब यही होता है, उसमें दोनों टर्म होने चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन भी है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, दोनों इसमें आपको गिवन है, ये आपका एक रिलेशन
होगा बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना ही करो, ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, कल इसके न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स।